सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग। और आज हमारा ये पहला लेसन होने वाला है जिसमें कि हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि आपका होगा कोडिंग और डिकोडिंग। दोस्तों, इस चैप्टर से जो है आपको नाविक और यांत्रिक एग्जाम में जो है दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में इनकम शब्द को जो है वो लिखा जाता है HP, EN और OG से। तो आपको पूछा जा रहा है कि सेविंग को जो है वो किस टाइप से लिखा जाएगा। तो देखिए, काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है अगर इसको हम बनाएं। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है कि इनकम को किस प्रकार से लिखा जा रहा है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बताएंगे कि सेविंग को कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले मैंने इनकम लिख लिया, उसको लिखा जा रहा है HP, EN, O और G से, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि यहां पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। तो अगर हम ये देखें तो हम जानते हैं कि I अल्फाबेट में जो है वो 9 नंबर पे आता है और H जो है ये 8 नंबर पे आता है, यानी कि यहां पर देखिए माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार N जो है ये आपका अल्फाबेट में 14 पे आता है और P जो है वो 16 पे आता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिएगा C जो है ये 3 नंबर पे आता है और E 5 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ है। फिर O देखिए 15 पे आता है और N 14 पे आता है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 1 हुआ है। फिर देखें तो N जो M जो है वो आपका 13 पे आता है और O 15 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस 2 हुआ है। और अगर यहाँ देखें तो E से G में क्या हो रहा है, तो E भी आपका 5 नंबर पे आता है और G 7 पे आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो है हमें बताना है कि सेविंग को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सेविंग लिख लेता हूँ। तो SAVING, ये सेविंग मैंने लिख लिया। तो अब देखिएगा यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस वन हो रहा था तो हम भी यहाँ पे माइनस वन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है, क्योंकि S 19 नंबर पे आता है और R 18 पे। अब दूसरे बार में क्या हो रहा था, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा था, तो A में भी हम प्लस का 2 कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा C, ठीक है। फिर यहाँ पे हम प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पे V से प्लस 2 करने पर हमें X मिलेगा। उसी प्रकार I में हमें जो है माइनस वन करना है, तो माइनस वन करने से आपको H मिल जाएगा, और N से जो है अगर आप प्लस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर P, ठीक है। और G से भी हमें क्या करना है, प्लस का 2 करना है, क्योंकि E से G में भी प्लस का 2 हो रहा था, तो यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर I मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा RCXHPI, ठीक है। तो देखिए आंसर जो है वो हो गया है आपका ऑप्शन नंबर C में जो दिया हुआ है, RCXHPI। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि यदि एक कूट भाषा में माइंड को जो है वो लिखा जाए IMDN के रूप में, तो आपको बताना है कि गेम को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके कोस्ट गार्ड में पहले पूछा भी जा चुका है, तो इसको देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आपके क्रॉस वाला हो जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए M को M से क्रॉस कर दिया और I को इस टाइप से क्रॉस किया गया है, फिर N को इस टाइप से क्रॉस किया है और D को इस टाइप से क्रॉस किया गया है। तो हमें बताना है कि गेम को जो है वो किस टाइप से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा गेम को हम क्या कर लेंगे, तो गेम में भी हम क्रॉस करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ये जी इधर चला जाएगा, ठीक उसी प्रकार से ये ई और ये एम, यानी कि ए जी ई एम के रूप में लिखा जाएगा गेम को। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा के अंदर यदि रमेश को जो है वो इस टाइप से लिखा जाए, मिताली को जो है वो इस टाइप से लिखा जाए, तो आपको बताना है रणवीर शब्द को जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, यहां पर काफी चीजें समझने वाली भी है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए रमेश को क्या लिखा जा रहा है वो मैं नोट कर लेता हूं, ठीक है। तो RAMESH
एच, ठीक है, और रमेश को लिखा जा रहा है टी बी एन एफ टी और जे से, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा समझने वाली बात क्या है, तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पर अक्षरों के अंकों के मान जो है वो विषम मान में तो एक जोड़ करके अंकों के अक्षरों को लिखा जा रहा है, और सम जिनका मान है उनमें दो जोड़ करके उनमें लिखा जा रहा है। देखिएगा जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर, तो देखिए कि R जो कि आपका क्या है, एक सम नंबर है, ठीक है, तो इसमें जो है कितना जोड़ेंगे हम, सम में दो जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि R आता है 18 नंबर पे, तो R से T हो गया। उसी प्रकार से एक जो है वो विषम जो है उसमें वही प्लस वन हो रहा है, यानी कि ए एक नंबर पे आता है तो ये प्लस वन होगा, इसमें विषम है। उसी प्रकार से एम भी जो है ये आपका विषम नंबर पे आता है, क्योंकि एम 13 नंबर पे आता है, तो इसमें भी हम प्लस वन करेंगे तो एन आ जाएगा। ई भी जो है वो 5 नंबर पे आता है, यानी कि ये भी एक विषम है, तो इसमें भी प्लस वन होगा। एस देखिए, एस भी जो है वो एक विषम है, क्योंकि ये भी जो है आपके 19 नंबर पे आता है, तो 19 एक विषम संख्या है, तो यहां पर भी हम जो है प्लस वन करेंगे तो टी आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार देखिएगा एच में यहां पर प्लस टू होगा, क्योंकि एच जो है वो 8 नंबर पे आता है, और 8 जो है यहां पर एक सम नंबर है, ठीक है, तो यहां पर सम जो होगा उसमें प्लस का 2 होगा, तब यहां पर जे आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो है यहां पर मिताली को लिखा गया है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि रणबीर को कैसे लिखा जाएगा, तो मैं यहां पर रणबीर लिख लेता हूं, RANBIR, ये मैंने रणबीर लिख दिया। अब R देखिए कि हम जानते हैं कि R 18 नंबर पे आता है, और 18 जो है वो एक सम संख्या है, यानी कि यहां पर प्लस का 2 होगा, तो R से T आ जाएगा। फिर A जो है वो एक विषम है, यानी कि यहां पर प्लस का 1 होगा, B आ जाएगा। N में फिर से प्लस का 2 होगा, क्योंकि N एक सम संख्या है, और यहां पर भी प्लस का 2 होगा, तो N से P आ जाएगा। फिर इसमें भी प्लस का 2 होगा, तो यहां पर D आएगा। I में एक जो है प्लस का 1 होगा, तो J आ जाएगा, और R में फिर से प्लस का 2 होगा, यानी कि T आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आंसर क्या आ गया है, तो आंसर हमें मिल गया है TBPDJT, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर है, और ये दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज जो है हमारा ये पहला फेस कैम वीडियो है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो पे अच्छा सा कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक कूट भाषा के अंदर यदि टेबल को जो है वो इस टाइप से लिखा जाए, तो आपको बताना है कि चेयर को किस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन भी जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, और एयरफोर्स में जो है कॉमनली ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपको दिया हुआ टेबल, ठीक है, और टेबल को क्या लिखा जा रहा है, टेबल को लिखा जा रहा है एस वाई वाई एच और जेड से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे देखिएगा क्या हुआ है, टी जो है वो 20 नंबर पे आता है, और एस 19 नंबर पे आता है, यानी कि यहां -1 हुआ है। फिर ए से वाई गया है, यानी कि यहां -2 हुआ है। फिर बी से वाई, यानी कि यहां -3, यहां पे -4, और यहां पे माइनस का 5 हो रहा है, यानी कि माइनस में 1 से लेके -2 -3 -4 और -5 से सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें चेयर में करना होगा, तो चलिए मैं यहां पे चेयर लिख लेता हूं, तो CHAIR, ये चेयर हो गया। इसमें भी हमें माइनस करना है, तो ये -1 करेंगे तो B आएगा, यहां पे -2 करेंगे तो यहां पे F आ जाएगा, फिर यहां -3 करेंगे तो देखिए Z से ऊपर जाएगा, ठीक है, Z Y X, तो -3 करते ही Z X आ जाएगा। यहां पे -4 करेंगे तो यहां पे जो है E आएगा, और यहां पे अगर -5 करेंगे तो यहां पर M आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ चुका है, BFXEM, ठीक है। तो ये आंसर हमें मिल चुका है, जो कि देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है, तो यहां पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा के अंदर कॉपर को जो है वो लिखा जाता है इस टाइप से, सल्फर को लिखा जाता है कुछ इस टाइप से, तो आपको बताना है कि ये जो सोडियम वर्ड है इसको हम किस टाइप से लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसमें भी बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम कॉपर को लिख लेंगे COPPER, ये दिया हुआ है, और कॉपर को क्या लिखा जा रहा है आप देखिएगा यहां पर,
तो देखिए कि कॉपर को यहां पर लिखा गया है सी 15 पी 16 ई और 18, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है आपको भी एक चीज पता चलेगी देखने में, ठीक है। मैं यहां पर सोडियम के लिए लिख लेता हूं डायरेक्टली, ठीक है, SODIUM। ठीक उसी प्रकार से जो है सल्फर में भी हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला मैं नहीं बना रहा हूं। तो यहां पर देखिए कि सी जो है वो एक साथ लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि सी की जगह पे सी आ गया। फिर जो नेक्स्ट लेटर है उसके जगह पे उसका अल्फाबेटिक नंबर लिखा गया है। फिर पी को सेम लिख दिया, फिर जो है यहां पर पी का अल्फाबेटिक नंबर लिखा है, फिर ई को सेम लिख दिया, और फिर आर का जो है अल्फाबेटिक नंबर लिखा है। यानी कि एक छोड़ करके एक जो है उस पर आपको अल्फाबेटिक नंबर लिखना है और जो नेक्स्ट आएगा उसको सेम लिखना है। जैसे कि एस जो है वो सेम आ जाएगा, ओ की जगह पे जो है आपका 15 आएगा, फिर डी जो है वो सेम आ जाएगा, फिर आई जो है अल्फाबेट में नो नंबर पे आता है तो नो आएगा, यू सेम आ जाएगा और एम की जगह पे 13 आ जाएगा। यानी कि S15 D9 U13 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों देखिए आपको कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहां पर आपको इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा के अंदर यदि जोकर शब्द को जो है वो लिखा जाए KNLDS से और क्लाउन को लिखा जाए DMNXO से, तो फनी को जो है वो किस टाइप से लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम समझने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि जोकर को किस टाइप से लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जोकर लिखते हैं, तो देखिएगा जोकर को कैसे लिखा जा रहा है, सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है कि KNLD और S से लिखा जा रहा है जोकर को। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा कि आपके यहाँ पर जो भी वोवल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर वोवल्स दिए हुए हैं, तो उसके अंदर जो है हमें यहाँ पर -1 करना है, ठीक है। वोवल्स हम जानते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, 5 वोवल्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट के अंदर बात करें, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में जो है हमें यहाँ पर प्लस का 1 करना है। तो देखिएगा तो जे जो है क्या होता है, जे एक वोवल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें जो है यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ओ एक वोवल है तो यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है तो एन आ गया। उसी प्रकार से के जो है फिर से यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर फिर से प्लस का 1 होगा। ई जो है वो एक वोवल है तो यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 1 होगा। और आर जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है हमें यहाँ पर बताना है फनी में, है ना। तो फनी में हम चेक करके बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ FUNN और Y, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हो जाएगा। तो F क्या है, F एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर प्लस का 1 होगा तो F से G आ जाएगा। U देखिए एक वोवल है तो यानी कि यहाँ पे -1 होगा, और -1 करेंगे तो T आ जाएगा, क्योंकि U आता है 21 नंबर पे और T आता है 20 नंबर पे। अब N जो है वो आपका एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर प्लस का 1 होगा, तो प्लस का 1 करेंगे तो ओ आ जाएगा। फिर से यहाँ पर एन जो है वो प्लस का 1 होगा यहाँ पर, तो ओ आ जाएगा। वाई में भी जो है यहाँ पर का प्लस का 1 होगा तो जेड आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा GTOOZ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जो वोवल्स इसमें दिए हुए हैं उसमें हमें क्या करना है, -1 करना है, और जो आपको कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं उसमें आपको प्लस का 1 करना है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी GTOOZ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में मोबाइल को जो है वो लिखा जाता है 13U2O12 और आई से, और गैजेट को अगर इस टाइप से लिखा जाए तो आपको बताना है आईफोन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं मोबाइल, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल को देखिए किस टाइप से लिखा जा रहा है, सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। तो M को लिखा जा रहा है यहाँ पर 13 से, O को लिखा जा रहा है यहाँ पर U से, B को लिखा जा रहा है 2 से, I को लिखा जा रहा है O से, L को लिखा जा रहा है 12 से, और E को लिखा जा रहा है I से, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हुआ क्या है, तो मैं आपको ये अगर समझाऊँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट का केस समझना पड़ेगा।
तो हम जानते हैं कि पांच वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, एम तो 13 नंबर पे आता है, फिर ओ एक वोवल है, तो इस वोवल के नीचे जो है अगला वोवल लिखा गया है, जैसे कि ओ के बाद अगला वोवल यू आता है, ठीक है। फिर देखिए बी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके नीचे दो लिख दिया, इसका नंबर जो होता है। ठीक उसी प्रकार से आई के बाद में अगला वोवल लिखा गया, तो आई के बाद अगला वोवल ओ आता है। फिर एल के नीचे उसका नंबर लिखा गया है, 12 नंबर पे आता है एल। और ई फिर से एक वोवल है, तो इसके नीचे अगला वोवल लिखा है आई, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है हमें आईफोन के लिए लिखना है, तो ये हो जाएगा आई पी एच ओ एन ई, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं आईफोन में क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए आई एक वोवल है, ठीक है, तो इसके नीचे अगला वोवल आएगा, तो आई के बाद अगला वोवल ओ आता है। पी का नंबर 16 हो जाएगा, एच का नंबर 8 हो जाएगा, ओ के बाद में अगला वोवल यू आएगा, एन के बाद में यहाँ पर 14 आ जाएगा और ई के बाद अगला वोवल आई आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ओ 16 8 यू 14 आई, ठीक है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो हर एक क्वेश्चन जो अलग तरीके पे है, और हर क्वेश्चन जो है वो कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट रखता है, तो आपके जो है यहाँ पर काफी टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में 20 से 30 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपका लगभग पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे और आपके दो नंबर यहाँ से श्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि बोला गया है कि यदि टिश्यू को जो है वो 93 से लिखा जाए तो रॉकेट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यू को कैसे लिखा जा रहा है, तो टी आई डबल एस यू ई, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, टी 20 नंबर पे आता है प्लस, आई जो है 9 नंबर पे आता है प्लस, एस जो है वो आपका 19 पे आता है, फिर से एस 19 पे आता है, यू जो है वो आपका 21 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है, ठीक है। इनको जब हम ऐड करते हैं तो इनका एडिशन जो होगा वो आपका 93 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए ई टिश्यू को जो है 93 लिखा गया है। तो अब ये और भी सिंपल हो गया है, हम आसानी से बता सकते हैं कि कैसे जो है लिखा जाएगा रॉकेट को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रॉकेट लिख लेता हूँ। अब देखिए रॉकेट को क्या लिखा जाएगा, आर के लिए कोड 18 आएगा प्लस, ओ के लिए 15, सी के लिए 3, के लिए 11, ई के लिए 5 और टी के लिए 20। इनको जब हम ऐड करेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ मिलेगा 72, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको जो है 72 दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं ये, तो इनको करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि एक किसी कोड भाषा में डायमंड्स को जो है इस टाइप से लिखा जाए तो प्लेटिनम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं डायमंड लिख लेता हूँ, तो डी आई ए एम ओ एन डी एस, ठीक है। तो डायमंड्स को देखते हैं क्या लिखा जा रहा है, तो डी को ई लिखा जा रहा है, फिर आई को जो है सेम लिखा जा रहा है, ए के बाद बी लिखा जा रहा है, एम को जो है एम लिखा जा रहा है, ओ के बाद पी लिखा जा रहा है यहाँ पर, एन के बाद एन, डी के बाद ई और एस के बाद एस। ये देखिए इसी टाइप से जो है इसको लिखा गया है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी, और वो चीज़ क्या है तो देखिएगा, तो यहाँ पर ये मामला है कि एक बार प्लस का वन हो रहा है, फिर सेम टू सेम लिखा जा रहा है, फिर प्लस का वन हो रहा है, फिर सेम टू सेम, फिर प्लस का वन, फिर सेम टू सेम, फिर प्लस का वन और फिर सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, प्लेटिनम को हमें बताना है, पी एल ए टी आई एन यू एम, प्लेटिनम में बताना है। तो सबसे पहले प्लस का वन करना है, तो पी से क्यू, फिर सेम टू सेम, ए के बाद बी, फिर सेम, फिर उसके बाद आई की जगह पे क्या आ जाएगा जे, फिर सेम, फिर यू के बाद वी और फिर सेम, यानी कि इस तरीके से जो है इसका आंसर हो जाएगा क्यू एल बी टी जे एन वी एम, ठीक है। इस टाइप से इसको लिखा जाएगा, और ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है। तो ये भी एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट हो जाता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एम आई एन ए आर ई टी को जो है इस टाइप से लिखा जाता है तो आप बताइए कि बाई को किस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, माइनस पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं, तो एम आई एन ए आर ई टी, इसको क्या लिखा जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है
जे एफ के एक्स ओ बी और क्यू से। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या मामला है, तो इसको देखिए, एम जो है दोस्तों वो आता है आपका 13 नंबर पे, ठीक है, और जे जो है वो आता है आपका 10 नंबर पे, यानी कि यहां पर माइनस का 3 हुआ है। फिर यहां भी देखिए माइनस का 3, यहां भी माइनस का 3, यहां भी माइनस का 3, और यहां पर भी जो है माइनस का 3 हो रहा है। तो इस सीरीज में जो है पूरी में -3 कंटिन्यू हो रहा है, तो इजिली हम बता सकते हैं कि बी यू वाई को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो बी में भी हम माइनस का 3 करेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या मिल जाएगा, तो बी में माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यू में अगर -3 करें तो हमें आर मिलेगा, और वाई में अगर -3 किया जाए तो हमें वी मिलेगा, यानी कि वाई आर वी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिया गया है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि दोस्तों अब आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर जो है हमारी कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, टीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही है। तो इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाके अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके रजिस्टर कर लेना है, और आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग मेरा यूजर नेम सर्च कर सकते हो, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, तो मेक श्योर कि आप लोग जो है फॉलो जरूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को सभी अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो है हमारी दो फ्री स्पेशल क्लासेस चलती है, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, जो कि दोपहर के 3 बजे और रात को 9 बजे होती है। तो दोस्तों उन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।